अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। और जो है ये है सैटरडे का वीडियो, सैटरडे की मॉर्निंग का। और सुबह सुबह जो है मैंने डोसे के लिए डाली थी रात में ही भीगने के लिए, तो रात में आटा पीस दी थी। और ये मॉर्निंग का टाइम है और मल्लिका को डोसा नहीं खाना है, तो मल्लिका के लिए एक दो तीन प्लेट जो होती इडली की वो मैंने डाली थी, तो उसके जितना इडली बस। हम लोग तो डोसा खा रहे थे यहाँ पर, और मीनवाइल मैं डोसे डाल रही हूँ और उसी बीच में फिर मल्लिका को इडली भी बनाकर दे रही हूँ। और इडली भी उसको ऐसी नहीं चाहिए, उसको फ्राई करके चाहिए होती है, तो मैं वही कर रही हूँ। अम्मी अब्बा नाश्ते के लिए बैठे हैं और मेरे हस्बैंड भी, यानी कि जिस जिसका टर्न हो जाता है फिर दूसरे बैठते हैं ना। डोसा गरम गरम ही अच्छा लगता है, तो सब मैं पहले तो अब्बा को दी, फिर मेरे हस्बैंड खाए, फिर अम्मी खाए, फिर मल्लिका को भी इडली जो भी फ्राई करके दे रही हूँ। इसी तरीके से सबका यानी कि धीरे धीरे यहाँ पर नाश्ता हो रहा है। और ये आपको दिखा रही हूँ मौसम, इतना प्यारा मौसम हो गया था ना, बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी सुबह के वक्त। और ये फोग देख रहे हो आप लोग, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था गैलरी में से, वही मैं आपको बता रही हूँ। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। यानी कि बारिश तो नहीं हो रही थी, बारिश रुक गई है अभी तो, लेकिन मौसम बहुत ही अच्छा था सैटरडे की मॉर्निंग को। उसके बाद भी जो फिर गर्मी चालू हुई ना दोपहर के वक्त से, बहुत गर्मी, आज तक भी गर्मी है, आज मंडे है लेकिन बहुत गर्मी थी, कल भी संडे को भी बहुत गर्मी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग हेल्दी हैप्पी एंड फिट होंगे। आज हम लोग जा रहे हैं, कोई रिलेटिव है हमारे उनके घर पर, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ उनके घर पे, तो आपको वहीं जाकर मिलाऊंगी कि हम लोग किसके घर पे गए हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोग जा रहे हैं अभी सीढ़ी से क्योंकि लाइट चली गई है, इसके लिए अभी जस्ट हम लोग उतर रहे थे और लाइट चले गई। अभी हम लोग निकल चुके हैं, ऑन द वे है, और ये दादी है, मल्लिका है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, और सुहान के डैडी है और सुहान है आगे। हम लोग इतने जाने, अब्बा घर पे है, अब्बा का खाना बना के रख के आए मम्मी ने, तो अब्बा खा लेंगे, हम लोग शाम तक आ जाएंगे। और हम लोग जा रहे हैं सलीम मामू के घर पे, यानी कि मेरे मामू ससुरे हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े मामू हैं। तो बहुत दिन से वो बोल रहे थे आने के लिए हम लोग को, लेकिन हम लोग को वक्त ही नहीं निकल पा रहा था, वक्त ही नहीं मिल रहा था, कभी उनका नहीं जम रहा था, कभी हम लोग को जाने नहीं मिल रहा था, ऐसे ही हो रहा था। और अब ये देखिए, ये लोधा में हम लोग पहुँच चुके हैं। लोधा का ये मॉल है एक्सपीरिया मॉल, बहुत बड़ा मॉल है और बहुत अच्छा मॉल है। हम लोग पहले भी आ चुके हैं इसके ये मॉल में, लेकिन अब पता नहीं कोविड की वजह से ओपन है या नहीं है। और आप लोग देख सकते हो ट्रैफिक तो इतनी हो चुकी है ना, ऑन द वे ट्रैफिक बहुत थी, बहुत बहुत ट्रैफिक थी। और ये हाईवे पर इस तरीके से आप लोग देख सकते हो सॉफ्ट टॉयज़ के शॉप्स आते हैं, और ये जो आप लोग देख सकते हो फर्नीचर के जो पूरे शॉप्स थे यहाँ पर मुमरा के रास्ते में हाईवे पर, और बहुत अच्छे अच्छे ढाबे थे यहाँ पर। और हम लोग इंशाल्लाह आएंगे, इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे ये एरिया भी। ये देखिए फर्नीचर मार्केट है यहाँ पर, कितना बड़ा मार्केट है, पूरा ओपन है यहाँ पर। और मुमरा कितना चेंज हो चुका है यहाँ पर, हर जगह बड़े बड़े जो है बिल्डिंग्स बन चुके हैं, कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। पहले जो है ना मेरी बहन यहाँ पर रहती थी मुमरा में, तो सिर्फ एक ही बड़ा कॉम्प्लेक्स था, उसका नाम था वफा पार्क। वहाँ पर हम लोग आते थे कल्याण से ऑटो करके, यानी कि वो शादी के बाद ऐसे ही यानी कि भाड़े से रहती थी यहाँ पर मुमरा में। फिर उसके बाद वो लोग कल्याण शिफ्ट हो गए थे, 6 महीना मुश्किल से लोग रहे थे तब। मुझे, मैं छोटी थी, मुझे याद है कि हम लोग यहाँ पर आते थे वफा पार्क में, बस वही एक था जो
रोड से ही नहीं दिखता था, वफा पार्क करके एक ही था वो, ज़्यादातर तो कुछ बिल्डिंगे नहीं थे और पीछे पहाड़ थे। और अभी जो मैं जब गई हूँ तो अभी मैं देख रही हूँ इतनी सारी बिल्डिंग्स, इतने सारे कॉम्प्लेक्स बन चुके हैं। पहले भी बीच में हम लोग जा चुके लेकिन मैंने इतना गौर नहीं करी, लेकिन अभी तो बहुत बहुत पब्लिक हो चुकी है और बहुत आबादी हो चुकी है यहाँ पर, और बहुत अच्छे अच्छे ढाबे खुल चुके हैं। और यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं सलीम मामू के घर पे, दोपहर के 1:30 बज रहे होंगे शायद, क्योंकि सुबह में हम लोग संडे था तो लेट उठे थे। और मैंने बनाई थी वड़ा पाव, वड़ा पाव बनाई थी मैंने, लेकिन अब्बा को वड़ा पाव नहीं देने का था, तो अब्बा का भी ज़ख़म है बीबी, तो इसके लिए अब्बा के लिए फिर मटन का अम्मी ने जो है सालन बनाए थे और मैंने पूरी तल के दी थी, तो वही नाश्ता कर लिया अब्बा ने। और जो है दोपहर के लिए अब्बा के लिए लंच बनाकर हम लोग आ गए थे दोपहर का और रात का। ए मामा जो कितना मारता रे कैफ को, हाँ बच्चा मेरा दुबला हो जाएगा वो, अमीना हाँ? कितना मारता है कैफ को, शर्म आ गया बोली तो। तो मैं इसके आया को फोटो दूंगा ना, ये उसको लेके जाएगा, रुक जा, क्या मुझसे बात मत कर, पहला बंद तो बंद कर। अम्मी खाना निकाल रहे हैं यहाँ पे यार, हमेशा की तरह अम्मी हर जगह पे खाना निकाल के देते सब। चलो सुहान मलिका, हम लोग जा रहे हैं अम्मी के फ्रेंड के घर पे, वो मुमरा में रहते हैं, अम्मी के बहुत पुराने फ्रेंड है, तो चलिए हमारे साथ में आप लोग भी, आप लोगों को मुमरा की सैर कराते हैं। और ये वक्त है दोपहर के, सॉरी शाम के जो है 6:30 बजे का, चाय वगैरह पी कर हम लोग थोड़ा आराम करके निकल गए थे अम्मी के जो बेस्ट फ्रेंड है अम्मी के, उनके घर पर जाने के लिए। तो ये हम लोग ऑन दी वे है, और ऑटो से भी हम लोग जा सकते थे लेकिन हम लोग नहीं गए क्योंकि सोचे कि चलो अच्छी खासी एक वॉकिंग कर लेंगे। इसके लिए 6:30 बजे हम लोग निकल गए थे शाम में, तो थोड़ा बैठ कर आएंगे। तो ये देखिए आप लोग, वक्त धीरे धीरे जो है सूरज डूब रहा था और रास्ते में ही मगरिब का वक्त हो चुका था, और हम लोग सोचे कि अभी मार्केट से ही जा रहे थे तो कुछ, तो शाम का वक्त है और आप लोग देख सकते हो कि कितनी जो है पब्लिक है, और बाज़ार अच्छी तरीके से लग चुका था, अच्छा खासा मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है। तो हम लोग सोचे कि एक्सप्लोर करते करते जाएंगे मार्केट। और ये आप लोग देख रहे हैं कौसा कब्रिस्तान है, यहाँ पर जो है मेरे नानी सास है उनको रखे हैं यहाँ पर, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। अम्मी भी बता रहे थे मेरे को कि जो है नानी का इंतकाल कौसा में हुआ था तो उनको यहीं दफनाए थे। और आप लोग देख सकते हो कितना ह्यूज मार्केट है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है, हर यानी कि कपड़ों से लेकर खाने के आइटम से लेकर, और मिठाई तो एक नंबर है, मुमरा की मिठाई बहुत अच्छी है। हम लोग ने मिठाई भी यानी कि लिए थे, तो वही बता रहे थे अम्मी भी, यहाँ पर मिठाई भी बहुत अच्छी मिलती है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है और प्राइस भी कम रहता है। तो हम लोग वही सब एक्सप्लोर कर रहे थे, जा रहे थे
देखते देखते मिलेंगे ना मिलना वैसे के जब तक जान नहीं ना जब तक मिलेंगे पागल ऐसे जब तक जान है जब तक मिलेंगे अल्लाह ताला। और ये अम्मी के फ्रेंड के घर पे हम लोग आए हैं, इनको भाभी बोलते हैं अम्मी, तो हम लोग सब लोग भी भाभी भाभी बोलते हैं, इनका नाम ही भाभी पड़ गया है। तो इनके घर पे हम लोग आए थे, अम्मी अम्मी के बहुत पुराने फ्रेंड है, जब से अम्मी इन्हीं के मुमरा में रहने के लिए आए थे ना, जब से इनकी फ्रेंडशिप अम्मी से है और इन्हीं के बहुत अच्छे है ये, इनकी इन्हीं के नेचर इतना अच्छा है ना इनका, बहुत दुआएं देते हैं। बस इंसान को क्या चाहिए और दुआओं के सिवा आपको क्या चाहिए, और लाइफ में कोई इन्हीं के आप पे जो है, देखो इंसान है ना खाने का भूखा नहीं होता, इंसान है ना प्यार का भूखा होता है, इज्जत का भूखा होता है, और बस और क्या चाहिए। अब वहाँ से हम लोग फिर निकल चुके थे तो हम लोग आ गए थे मार्केट, और जो है लेडीज़ की तो आप लोगों को आदत पता ही है, जहाँ जाते हैं वहाँ पर लग जाते हैं अपनी शॉपिंग में। और यहाँ पर जो है चिकन बहुत फ्रेश और बहुत अच्छी क्वालिटी का मिल रहा था, तो मैंने चिकन ले ली घर के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने शॉपिंग की है, और सुहान के डैडी और सुहान जो है उन लोग की अलग शॉपिंग हो रही थी, सुहान के डैडी ने भी सुहान कुछ स्लीपर वगैरह सब लिए थे, तो यानी कि वो लोग अलग चले गए थे और हम लोग जो है लेडीज़ लोग हम लोग अलग निकल गए थे। बस वही मुमरा की मार्केट सब देख रही थी मैं, बहुत अच्छा लगा मुझे घूम कर वहाँ पर एक्सप्लोर करके। अभी हम लोग भाभी के घर से निकल के जा रहे हैं कुमानी के घर पे फिर से, और रात में खाना खाएंगे और फिर घर पे जाएंगे। और मैंने ले ली वहाँ से चिकन, चिकन अच्छा फ्रेश मिला है मुझे मुमरा से, और आज अच्छी खासी वॉकिंग हो गई है आज। चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हम लोग अभी घर के लिए निकल रहे हैं। आज का ये व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। और रात का डिनर करके हम लोग जो है निकल गए हमारे घर के लिए। तो ये लोग आप देख सकते हो, बस जैसे हम लोग निकले थे वैसे इतनी ट्रैफिक लग गई थी ना, कम से कम हम लोग 15 मिनट से 20 मिनट तक ट्रैफिक में ही थे। आप लोग देख सकते हो कितनी ट्रैफिक है यहाँ पर मुमरा में भी। और मेरा ये ब्लॉग आपको आज का कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अगर मेरे ये वीडियो को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और जो है मुझे बहुत अच्छा लगा, हम लोग का डे बहुत ही अच्छी तरीके से स्पेंड हुआ मुमरा में। और जो है अगर आप ये वीडियो को देख रहे हो इस वक्त तो जो है लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक करके करिए बगैर, यहाँ तक अगर देख चुके हो तो लाइक करिए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।